दोस्तों बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग के नाम पे स्पेकुलेटिंग कर रहे हैं आज की डेट में। उनके पास नहीं कोई प्लान है और नहीं कोई तरीका उस इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने का। वो जस्ट इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के 10 बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो ही नहीं करते, जिससे वो बाद में पछताते हैं। हम सभी जानते हैं कि इन्वेस्टिंग एक बिजनेस है। सही प्लान और सही कंट्रोल के बिना ये ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। आपको इसे एक बिजनेस जैसा चलाना होगा। इसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल हासिल करना होगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग की दुनिया में। कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल। इसलिए मैक्सिमम इन्वेस्टिंग बुक्स का फर्स्ट पार्ट डेडिकेटेड है आपके मेंटल इमेज को चेंज करने में, आपके माइंडसेट को बनाने में। क्योंकि अगर आप खुद को कंट्रोल करना सीख लोगे, तो आप अपने पैसे को, अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर पाओगे। इसलिए माइंडसेट इतना इंपॉर्टेंट होता है। आपका एटीट्यूड यह निर्णय करता है कि आप सफल हो गए या फिर फेल कर जाओगे। यह आपका एटीट्यूड निर्णय करता है। आपको सबसे पहले अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा, उसे बदलना होगा, तभी आप यहां पे सफल हो पाओगे। अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हो प्रॉपर्टी सेक्टर में, तो आपको कंट्रोल करना होगा, सब कुछ कंट्रोल करना होगा। आपको अपने अंदर इतना पावर, इतना इमोशनल पावर डेवलप करना होगा, जिससे आप खुद को कंट्रोल कर पाओ। इनकम, एक्सपेंस और एसेट लायबिलिटी, इनके ऊपर भी आपको कंट्रोल हासिल करना होगा। एक स्पेकुलेटर हमेशा लायबिलिटी के पीछे भागता है, पर एक अल्टीमेट इन्वेस्टर हमेशा एसेट के पीछे भागता है, जो हर महीने इनकम जनरेट करके देता है। पर लायबिलिटी चाहिए, एक फोन, एक कंप्यूटर, एक कार चाहिए, ये सब चाहिए। पर अल्टीमेट इन्वेस्टर लोग उसे खरीदते हैं, पर पहले वो एसेट बिल्ड करते हैं और फिर उस एसेट के माध्यम से वो अपना मनपसंद लायबिलिटी खरीदते हैं। यही मेन डिफरेंस होता है, मेंटल डिफरेंस होता है, एटीट्यूड होता है एक अल्टीमेट इन्वेस्टर और एक एमेच्योर स्पेकुलेटर के बीच में। और हाँ, मैनेजमेंट के ऊपर भी आपको कंट्रोल हासिल करना होगा। एक अच्छा इन्वेस्टर किसी भी इन्वेस्टमेंट में उतना ही परसेंटेज ओन करता है, जिससे वो उसे कंट्रोल कर पाए। जैसे स्टार्टअप्स में होता है, बड़े बड़े कंपनीज में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके पास होता है, और जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स होता है, वो आखिर में ये डिसाइड करता है कि क्या करना चाहिए, क्या करने से हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा। इसलिए आपको मैनेजमेंट के ऊपर भी कंट्रोल हासिल करना होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग की दुनिया में पार्टनर्स आपको ढूंढना होगा और उनके बीच में डिस्प्यूट आ सकता है। इसलिए कंट्रोल हासिल करना होगा आपके मैनेजमेंट के ऊपर, जिससे आप उस इन्वेस्टमेंट को अपने मुताबिक ढाल पाओ। इसलिए और टैक्स, वो तो सबसे बड़ा एक्सपेंस है प्रॉपर्टी सेक्टर की दुनिया में। आपको टैक्स के ऊपर भी कंट्रोल हासिल करना होगा। मैं टैक्स के खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके साथ हूं, क्योंकि टैक्स की वजह से ही स्कूल चलता है, रोड्स बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में पहुंचता है, सरकार चलता है। हमें टैक्स भरना होगा टाइम पे, पर हमें इसे कंट्रोल करना सीखना होगा। हम क्यों 30% 35% तक टैक्स दे, जबकि कानून हमें अलाउ करता है कि हम उस पैसे को कम कर सके, 15% 10% तक उसे ला सके। कानून हमें ये अलाउ करता है, तो हम क्यों ज्यादा टैक्स भरे। आपको इसे कंट्रोल करना होगा एक मिलियनेयर प्रॉपर्टी इन्वेस्टर बनने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, एग्जिट एंड एंट्री स्ट्रैटेजी। अब कब घुसोगे उस इन्वेस्टमेंट में और कब वहां से बाहर निकलोगे, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में, प्रॉपर्टी सेक्टर में, स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में, बॉन्ड में, हर एक जगह एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी आपको बना के ही वहां पे उतरना होगा। कब आप वहां पे घुसोगे और कब वहां से निकलोगे, क्योंकि एक अल्टीमेट इन्वेस्टर जानता है कि हर एक मार्केट में, चाहे वो मार्केट डाउन हो या फिर अप हो, कैसे वहां से पैसा कमाना है, जो एक एमेच्योर एवरेज इन्वेस्टर को पता नहीं होता। एक अल्टीमेट इन्वेस्टर डाउन मार्केट में भी पैसा कमा लेता है और अप मार्केट में भी पैसा वो कमाता है, ये उसका खूबी है। पर एक स्पेकुलेटर बस अप मार्केट में ही पैसा कमाता है, जब मार्केट डाउन जाता है वो भी डाउन जाता है। आपको इसे कंट्रोल करना सीखना होगा, आपको एग्जिट एंड एंट्री को भी कंट्रोल करना होगा, और ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन, इसे भी कंट्रोल करना होगा। एक एग्रीमेंट होता है, उसे आपको साइन कर लेना होगा, जिससे बाद में कोई डिस्प्यूट ना आए। ब्रोकरेज फी आपको देना पड़ता है प्रॉपर्टी को खरीद या फिर बेचने के लिए। कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं कि वो साइन आपसे नहीं करते, वो टोकन जो होता है वो साइन नहीं करते, बाद में वो आपको बहुत सारा पैसा चार्ज करते हैं और आपको देना पड़ता है, या फिर डिस्प्यूट खड़ा होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, कोर्ट में भी वो चीज चला जाता है। इसलिए आपको इस चीज को कंट्रोल करना सीखना होगा, एग्रीमेंट को साइन कर लेना होगा
कि आप उन्हें कितना पैसा दोगे प्रॉपर्टी डील होने के बाद, ये आपको कर लेना होगा। और टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में क्या, एक अल्टीमेट इन्वेस्टर इन दोनों को भी कंट्रोल करना जानता है कि क्या टर्म्स होगा इस डील का, किस कंडीशन में आपको पैसा वापस करना होगा, ये सब वो कंट्रोल करता है और वो उनके साथ नेगोशिएट भी करता है, जिससे वो इन सब को और बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाए एज अ इन्वेस्टर। आपको भी सेम चीज करना होगा, तभी आप एक मिलियनेयर प्रॉपर्टी इन्वेस्टर, रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन पाओगे। और आपको एक्सेस इंफॉर्मेशन के ऊपर भी कंट्रोल हासिल करना होगा। एक्सेस इंफॉर्मेशन मतलब इनसाइड इंफॉर्मेशन। प्रॉपर्टी मार्केट में ये कंप्लीटली लीगल है, पर शेयर बाजार में ये इलीगल है। सेबी आपको पकड़ लेगा और आपको जेल में डाल देगा, पर प्रॉपर्टी मार्केट में ये लीगल है, अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं से पता चलता है कि ये मार्केट आगे बढ़ने वाला है, यहाँ पे एक नया हाईवे बनने जा रहा है जिससे प्रॉपर्टी मार्केट यहाँ पे इंप्रूव करने वाला है, तो आप क्या करते हो कि आप वहां पे जाके एक प्रॉपर्टी परचेस करते हो, जिसे कहते हैं, जिस इंफॉर्मेशन को कहते हैं इनसाइड इंफॉर्मेशन। प्रॉपर्टी मार्केट में ये लीगल है, पर शेयर बाजार में अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जेल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी एक्सेस इंफॉर्मेशन के ऊपर भी कंट्रोल पाना होगा, तभी आप यहाँ पे सफल हो पाओगे। और फिलैंथ्रोपी के ऊपर भी कंट्रोल हासिल करना होगा, मतलब गिविंग इट बैक। आप जो कमाते हो उसका कुछ हिस्सा आप डोनेट करोगे, जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ काम कर पाए, ना कि आपके विरुद्ध में। क्योंकि अगर आप कुछ चाहते हो तो पहले आप उसे दो, एंड देन देखना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेचर कैसे उसे प्रोसेस करता है आपको दिलाने के लिए। इसलिए आपको डोनेट करना होगा। आप कहोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे डोनेट कर सकता हूं? आपके पास जो है उससे ही स्टार्ट कर दो, और देखना कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ काम करता है, उसे मैनिफेस्ट करता है आपके लिए, आपके जीवन में। आप देखना, ये काम करता है, ये प्रूवन है, आप इसे अप्लाई जरूर करना। तो अगर आप एक मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको इन सब के ऊपर कंट्रोल हासिल करना होगा। आपको सबसे पहले खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा, अपने इनकम को, अपने एक्सपेंस को, अपने एसेट को और अपने लायबिलिटी को भी कंट्रोल करना सीखना होगा। आपको अपने मैनेजमेंट के ऊपर भी कंट्रोल हासिल करना होगा। आपको टैक्स को भी कंट्रोल करना होगा, उसे कम करना होगा जितना हो सके। और आपको ये ढूंढना होगा कि किस टाइम पे एंट्री करना सही होगा और कब एग्जिट करना सबसे अच्छा होगा। ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन उसे भी कंट्रोल करना होगा। एग्रीमेंट को साइन करना मत भूलना। टर्म्स एंड कंडीशंस नेगोशिएट कर लेना उसके ओनर से या फिर उसके सेलर से, जो भी आप कर रहे हो प्रॉपर्टी बाय एंड सेल जो भी कर रहे हो। और इनसाइड इंफॉर्मेशन के ऊपर भी काम करना चालू कर दो। ढूंढो कि आपके मार्केट में क्या होने जा रहा है, जिससे आपको पता चले कि मार्केट कहां जा सकता है, और उसको इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी परचेस करो, आप फायदे में रहोगे। और डोनेट करो, जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ काम कर पाए। और हां, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आप जिंदगी में क्या चाहते हो, सिक्योरिटी, कंफर्टेबल एंड रिच, या फिर रिच, कंफर्टेबल एंड देन सिक्योर। आप क्या चाहते हो इसके ऊपर निर्णय होगा कि आपका एटीट्यूड कैसा होगा उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है एंड देन आगे बढ़ना है। ये वीडियो इंस्पायरिंग लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए, मोटिवेटिंग वीडियो पाने के लिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बी सेफ दोस्तों। थैंक यू।